الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آپ فرما دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی تمام انسانوں کے بادشاہ کی تمام انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے یعنی شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس سے بچنے کی دعا ہے اور وسوسوں کے متعلق بات چل رہی تھی آگے بڑھتے ہوئے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے گناہوں کے کرنے کا مثال کے طور پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو چیز اللہ نے سننے کے لیے حرام فرمائیے اس کو لذت لے کر کے سنے اس کا وسوسہ ڈالتا ہے غیر محرم عورت کی آواز اس کے سننے کا وسوسہ ڈالے اسی طریقے سے گانا سننے کا وسوسہ ڈالے گانے میں آج کل ماحول کے اعتبار سے موبائل کی طرح طرح کی رنگ ٹونز جس میں میوزک یہ سننے کا وسوسہ ڈالے ہم تو سنتے ہی ہیں اللہ معاف فرمائے سادہ رنگ ٹون رکھنا چاہیے آج صاف طور پر دلوں میں جو آپس میں ہمارے ایک دوسرے کی طرف سے برائیاں اور خرابیاں آئیں جہاں اس کے اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں اس کا بنیادی سبب
ये तरह तरह के रिंग टोन जिसमें गाना म्यूजिक वगैरह है वो भी है। रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, अल-गिना युम्बितुन निफाक, जैसे जमीन में पानी मिलने से हरियाली खुद ब खुद वजूद में आती है। अच्छी जमीन होती है वहां एक बारिश होती है कि हरियाली उग आती है, उसके पीछे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई दाना डालने की, कोई बीज डालने की, हरियाली खुद ब खुद उग आती है। गिना भी निफाक को इसी तरीके से वजूद में लाता है। गाना निफाक इससे वजूद में आता है, और इस निफाक को वजूद में लाने के लिए, दिलों में पैदा करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं, बस ये गाना म्यूजिक। खैर, अल्लाह सही समझ दे उम्मत को, अजीब अजीब और तरह तरह के म्यूजिक और तरह तरह के और कानों की लज्जत के लिए तरह तरह की चीजें सुनी जाती है, तो गुनाह है। अभी तो गुनाह के वसवसे की मैं बात कर रहा हूं, गुनाह का वसवसा है, शैतान डालता है, लेकिन इंसान ने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया कि नहीं, मुझे नामहरम की आवाज नहीं सुननी। दिल में आया जज्बा कि बहुत बेहतरीन नजम है, लेकिन गाने वाली गैर महरम है, पढ़ने वाली आप अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने वाली, अल्लाह की हमद पढ़ने वाली बेहतरीन आवाज है, अल्लाह के बेहतरीन औसाफ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तारीफ, लेकिन आवाज अगर किसी नामहरम की है सुनना जायज नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। तो ये दिल में एक बेहतरीन नात है, बेहतरीन हमद है, बेहतरीन नज्म है, शैतान ने कि अल्लाह के औसाफ सुनने के हैं, लेकिन गैर वसवसा आया कि गैर महरम की आवाज है, औरत की आवाज है, नहीं सुनता मैं, वसवसा आया, शैतान ने गुनाह करने का वसवसा डाला, लेकिन कंट्रोल कर लिया। इसी तरह शैतान ने वसवसा डाला गुनाह करने का, इधर उधर की लान तान, गीबत, बोहतान, बैठे थे किसी की बुराई करने का वसवसा कि उसके बुराई शुरू कर देंगे, ये वसवसा दिल में आया, कोई गया और उससे कोई बात बनी थी, शैतान ने दिल में डाला कि उसके ऐब को जाहिर करे, उसकी बुराई बयान करे, गुनाह का वसवसा है, लेकिन उसने अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लिया। ये भी सीखने की चीज है, जुबान पर कंट्रोल। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं गाड़ी पर कंट्रोल पाने के लिए, कोई बगैर सीखे यूं ही निकल जाए, तो सीखने की चीज। हमारे हजरत दामत बरकातुहु से इस हदीस के बारे में बारहा सुना, उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات يا رسول الله। उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात किस चीज में है?
جب حضرت سے یہ حدیث سنتے حضرت فوراً فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کو فکر تھی، اس لیے نجات پانے کے طریقے اور اسباب پوچھتے تھے۔ ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں اور کیا تلاش کرتے ہیں اور کیا معلوم کرتے ہیں؟ ہلاکت کے اسباب سرچ کرو نا، یہ سرچ کرو نا، یہ سرچ کرو نا، یہ سرچ کرو نا، یہ سرچ کرو، بیٹھے بیٹھے ہلاکت کے اسباب سرچ کر کے، اس کو معلوم کر کے، تلاش کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسباب ہلاکت معلوم کیے جائے اس سے بچنے کی غرض سے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی، ان کا لقب تھا سر صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار۔ یہ حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اور میں شر کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا کہ اس شر سے بچا جا سکے۔ اسی لیے فتنوں کی جتنی روایتیں ہیں اس میں اکثر حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے سارے یہ پوچھتے تھے، بتائے جاتے تھے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے فتنے معلوم کرنا، ہلاکت سے بچنے کے لیے ہلاکت کے اسباب معلوم کرنا، اس کا ثبوت ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ہم لوگ تو ہلاکت میں پڑنے کے لیے اسباب ہلاکت کو سرچ کر کے اس کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کس چیز میں ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر پورا کنٹرول کر لو، تم اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ مالک بننے کا یہی مطلب ہے کہ آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس پر پورا اس کا کنٹرول ہوتا ہے، جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کرے، برائیوں سے بچائے گا۔ اپنی گاڑی ہوگی اور گاڑی پر اپنا کنٹرول ہوگا تو بمپ کو سپیڈ میں کودائے گا نہیں، بمپ آئے گا تو بریک لگائے گا کہ گاڑی میری ہے، وہ بریکر پر بریک لگا کر کے آگے جانے دے گا، وہی اسپیڈ کے اوپر جو پہلے سے چلی آتی تھی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مالک میں ہوں، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو زبان پر بھی پورا کنٹرول پالو، کہ زبان کو جس طرح چاہو اس طرح استعمال نہ کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور چلتی ہو گئی، یہ نہیں۔ تو زبان پر کنٹرول، املک علیک لسانک۔ دوسری چیز، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ گھر کے وسیع ہونے کا مطلب 5 BHK، 4 BHK، یہ اس لیے کہ لوگ آج ترجمے کو دیکھ کر کے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم امام بخاری بن گئے۔ ترجمہ پڑھ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بڑے محدث بن گئے نا، بڑے امام بن گئے۔ تو آؤ یہاں، ولی ایسا کا بھائی تو 5 BHK نے حویلی بناؤ،
वलयसा कबैतुक का मतलब जो मुहद्दिसीन ने बयान किया है वो ये है कि तुम्हारा जी तुम्हारे घर में ही रहे, बाहर निकलने का जी न चाहे। जिस एक आदमी का वसी घर होता है उसमें तमाम बुनियादी जरूरतें उसके अंदर होती है, अब उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस मफहूम को कि आदमी बगैर जरूरत शदीदा सख्त मजबूरी के बगैर अपने घर से ना निकले, अपने घर ही में रहे, अपने घर में रहेगा बहुत सारे फितनों से और गुनाहों से बच जाएगा। ये मतलब है वलियसा कबैतुक, और है घर में रहेगा बहुत सारे गुनाहों से बचेगा। बाजार में निकलकर अगर कोई अपनी आंखों की बचा करके ले आए उसकी विलायत है। खैर, अल्लाह उम्मत को सही समझ दे। लोग अपने जहन को फ्रेश करने के लिए घूमने जाते हैं तो जहन फ्रेश होगा कि जहन आलूदा होगा? गुनाहों के अड्डे हैं, जितने घूमने की चीजें हैं वो गुनाहों के अड्डे हैं। तो दिल और दिमाग फ्रेश होने के बजाय ये तो आलूदा हो गए। अपने घर में थे तो तुम अपने दिलो दिमाग को महफूज रखे हुए थे, बाहर निकल करके तुमने अपने दिलो दिमाग को सिया कर डाला, काला कर डाला। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि आदमी का अपने घर में जी लगे जब घर में दीनदारी हो, समझदारी हो, हर एक एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का फिक्र और एहतमाम कर रहा हो, तो घर में रहने का जी चाहेगा। फिर बाजार 1 बजे तक नहीं खुला रहेगा इंशाअल्लाह। वो 1 बजे ने 1.5 बजे घर जाएंगे तो फिर क्या घर के हुकूक अदा होंगे? तो ये वलियसा कबैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वसी हो। और तीसरी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, वबकी आला खतीयती, अपने गुनाहों पर रो। आदमी गुनाहों पर रोएगा, नदामत होगी, अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को धो देंगे। अत्तायिबु मिनज़्ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला। तो खैर, दिल में वसवसा आया, उसने जुबान पर कंट्रोल कर लिया। दिल में वसवसा आया कि नाजायज चीजों को देखूं, गैर महरम, पाजे बजने की आवाज आई, खुशबू आई, निगाह उठाऊं कि कौन खुशबू लगा करके यहां से गया, कौन जा रही है कि मैं, पाजे की आवाज आई है, वसवसा है। उसने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया। वसवसा तो आया लेकिन अपनी निगाह को गलत जगह इस्तेमाल करने से महफूज कर लिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद इबलीस कहता है, النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، کہ نظر بد ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک سخت زہر آلود تیر ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ میں نے اپنے تیروں کو چلایا، اس میں نظر بد کا جب تیر چلایا ہے تو کبھی میں ناکام نہیں ہوا۔ नजरे बद का तीर चलाया, इसमें कभी भी मैं नाकाम नहीं हुआ। लेकिन कंट्रोल करने पर क्या फायदा है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, من ترکہا مخافتی, جو نظر بد کو جو دل میں خیال آیا اور اس کا غیر محرم کے دیکھنے کا وسوسہ آیا, اس کو چھوڑ دیتا ہے میرے خوف کی بنیاد پر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو ایمان میں, اور دوسری ایک روایت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے پیش نظر میں اس کو اعمال میں حلاوت یعنی مٹھاس عطا فرماتا ہوں, یعنی اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, اعمال میں دل لگتا ہے, اور ایمان اور اعمال کے اندر اس کے دل لگنے کی وجہ سے وہ شیطان کے اس نظر بد والے تیر سے محفوظ ہو جاتا ہے. چونکہ نظر بد دل میں خواہش ہوئی, اس خواہش کو اس نے چھوڑا, کڑوا گھونٹ پیا, اور بڑا سخت کڑوا گھونٹ پیا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مٹھاس نصیب فرماتے ہیں. تو یہ وسوسہ آیا, لیکن وسوسے کے مطابق عمل نہیں کیا, اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا, تو یہ وسوسہ برا نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ اور پکڑ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست ما لم يعمل به او تتکلم, کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا فیصلہ کر دیا ہے, جو اس کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں جب تک کہ اس وسوسے کے متعلق بولتا نہیں ہے اور اس وسوسے کے اوپر عمل نہیں کرتا. برائی کرنے کا خیال آیا لیکن اس نے زبان کو کنٹرول کر لیا, بولا نہیں. اللہ کے بارے میں عجیب عجیب وساوس آتے ہیں لیکن بولتا نہیں ہے. اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ بولتا نہیں ہے, کنٹرول کر لیتا ہے. گناہوں کے وساوس آتے ہیں لیکن اس وسوسوں کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا ہے, تو یہ وسوسہ معاف ہے. لیکن اس سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے, وسوسہ ہی نہ آئے. انسان ہے, آئے گا وسوسہ. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتکاف میں ملنے آتی تھی. تنہائی کے موقع پر پردے کے اہتمام کے ساتھ ایک موقع پر ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں اعتکاف کی حالت میں ملنے آئے. آپ علیہ السلام بات چیت کر رہے تھے اور رات دیر ہو گئی. جب اگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس ہونے لگی تو آپ مسجد نبوی کے دروازے تک چکے, رات دیر ہو گئی تھی, عورت ذات اکیلی تھی, واپس جا رہی تھی, تو آپ مسجد نبوی کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئے. دو انصاری صحابی عباد بن بش اور اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ علیہ السلام اور ماں صفیہ رضی اللہ عنہ چونکہ پہچان نہیں ہوگا لیکن پردے میں, لیکن دیکھ کر کے وہ تیزی سے وہاں سے گزرنے لگے شرم کی وجہ سے, کہ کہیں آپ علیہ السلام کو ہماری وجہ سے شرم آئے گی. تو آپ نے فرمایا, علی رسلکما, اطمینان سے چلو, انہا صفیہ بنت حوی, میرے ساتھ جو عورت ہے
वो मेरी बीवी सफिया बिनते हुई रदी अल्लाह ताला अन्हा है। तो इन दोनों बुजुर्गों ने अंसारी सहाबी ने सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में हमें कोई बदगुमानी हो सकती है कि आपको ये वजाहत करनी पड़ी कि मेरी बीवी सफिया है? तो आपने फरमाया हाँ, इन शैतान यजरी मिन अद्दम, कि शैतान इंसान में इस तरह सरायत करता है जैसे इंसान की रगों में खून सरायत करता है, कहीं तुम्हारे दिलों में शुभा पैदा कर दे, शक पैदा कर दे, इसलिए मैंने वजाहत की। अंदाज लगाइए, अंसारी और बड़े जलीलुल कद्र साहबी अब्बाद इब्ने बिश्र और उसैद इब्ने हुज़ैर, ये अपने कबीलों के सरदार हैं, लेकिन शैतान वसवसे से परेशान कर सकता है आप अलैहिस्सलाम ने, और नबी के बारे में अगर वसवसा आ जाए ईमान से हाथ धो बैठना पड़े, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पर शफ़क़त फरमाते हुए शैतान से हिफाजत के लिए असबाब पैदा किए कि कहीं तुम्हारे दिलों में वसवसा ना आए। तो वसवसा आ सकता है, शैतान पूरी मेहनत करता है, और शैतान का यही मजला है इंसान को और खुसूसियत के साथ मुसलमान को उसके ईमान और आमाल के जाये करने की तनतोड़ मेहनत। लेकिन जब इंसान इसके वसवसों में आकर के अपने आप को महफूज कर लेता है और मासी और गुनाहों में मुब्तला नहीं करता है। एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वहद्दिथु नफ्सी लअतकल्लम इन्नी लअतकल्लम अहब्बु मिन अकून हममतन। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में वो चीजें आती है कि मैं उसको जुबान पर लाऊं, इसके मुकाबले में मैं ये पसंद करता हूं कि जल करके कोयला हो जाओ। उसको जुबान पर भी लाना नहीं चाहता, ऐसे दिल में वसा भी जाते हैं। सहाबी आप इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, देखो कैसी कैसी इन्होंने हमारी रहनुमाई की है। हम लोग के तो कहीं कहा जाता होगा अपने शेख से, अपने उस्ताद से, अपने मुरब्बी से, वो साफ कहते हैं कि ऐसे दिल में वसा भी जाते हैं कि जुबान पर लाने के बजाय मैं जल करके कोयला हो जाऊं, ऐसे वसा भी जाते हैं। इलाज तभी तो होगा ना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि वाकईतन कि तुम इसको जुबान पर लाना इतना बुरा समझते हो कि जल करके भून करके खाक हो जाना पसंद करते हो? कहा कि हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दहू इलल वसवसा, कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है कि उस पर अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस मामले को वसवसे की हद तक ही रखा, तुमको गुनाह में मुब्तला नहीं किया। तो वसवसा आए लेकिन वसवसों के ऊपर अमल ना हो। हमारा हाल बहुत बुरा है, वसवसों की बुनियाद पर, शुकूक और शुभात की बुनियाद पर शेख चिल्ली के महल की ऐसी तामीर होती है कि गुनाहों के अड्डे हमारे दिलों में और हमारे घरों में जमा हो जाते हैं। बस उसने एक मरतबा मुझे कहा था, देख लूंगा, उसने किया होगा, नाऊज़ बिल्ला।
औरतों में, मर्दों में, मुआशरे में इतना आम हो चुका है कि बस अलमान वल हफीज, अलमान वल हफीज। ये गुनाहों का वसवसा है और शैतान के वसवसा डालने के मुताबिक अमल नहीं किया है माँ, लेकिन ताहम इस पर इत्मीनान नहीं। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ये वसवसा डालने वाला जो है उसके शर से मेरी हिफाजत करना, ये दुआओं की जरूरत है। اللهم اني اعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، आप अलैहिस्सलाम की दुआओं में है कि ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह पकड़ता हूं हक के बाद शक में मुब्तला होने से। ईमान हक है, कुरान हक है, इस्लाम और आमाल सारे हक हैं, फिर कंफ्यूजन कुरान के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में, हरगिज हरगिज न हो। ये वो शैतान वसवसे डालते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये है गुनाहों के वसवसे आए, इंसान थोड़ी हिम्मत करे। हमारे मशाइख कि हमको यही तालीम है कि गुनाहों के वसवसे आए तो इसको अपने इख्तियार से हिम्मत करके उन वसवसों को दिल में जमने ही न दे। दिल में जमेंगे तो फिर आगे रास्ता उसका बढ़ेगा, लेकिन दिल में जमने ही नहीं देंगे तो इस सूरत में फिर दोबारा उसकी हिम्मत पस्त हो जाएगी। ये है वसवसा। एक और वसवसा है, फी नफ्सिही, वो ख्याल जायज है। फी नफ्सिही, वो ख्याल, वो वसवसा जायज है, लेकिन बेमौका वसवसा। आदमी है, कारोबार का ख्याल आ जाए, कारोबार की फिक्र हो, तो ये फिक्र और ख्याल सही नीयत है, ये भी इबादत है। तलब व कस्ब अल हलाल फरीजतन बाद अल फरीजा, एक एहतमाम आप अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया, इसलिए उसका ख्याल आना कि मैं कमाऊं, मेरी दुकान पर जाऊं, ये अच्छा ख्याल है। बीवी से ताल्लुक है, बीवी का ख्याल आ जाना, तो बीवी के ख्याल की वजह से अब इंसान का जहन गैर महरमों की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन नमाज में बीवी का ख्याल आ गया, नमाज में दुकान का ख्याल आ गया कि चार रकात हुई इसलिए कि चार दुकानों का हिसाब हो गया। समझाने के लिए कह रहा हूं, तो ये ख्याल दुकान का, बीवी का, मां बाप का अच्छी चीज, कोई गुनाह नहीं है सही नीयतों के साथ है तो, लेकिन नमाज में ये बेमौका है। इसलिए कि भाई नमाज में दिल नहीं लगता है, अक्सरों को ये शिकायत है कि नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में दूसरे ख्यालात आते हैं, नमाज में दुनियावी ख्यालात आते हैं। इससे भी अपने आप को बचाना है कि नमाज में इस तरह के ख्यालात ना आए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, नमाज को अल्लाह के ध्यान वाली, अंताबुद अल्लाह का अन्नक तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम्हें ये तसव्वुर हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और इस तसव्वुर को जमाने के लिए तसव्वुर ले आओ कि अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं,
तो जब अल्लाह के देखने का इस्तेहजार होगा तो आमना सामना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये ध्यान वाली नमाज के लिए मेहनत मश। और हमें आज जो नमाजों में परेशान कुन ख्यालात आते हैं, बाज मरतबा इमाम साहब ने सलाम फेर दिया और मुक्तदी को सलाम फेरने का भी ध्यान नहीं रहता। हां ऐसे भी है, इमाम साहब की गलती हम लोगों को कहां पता चलता है कि दो रकात हुई, इमाम साहब कायदे बुला के ऊपर बैठने के बजाय बस आओगा। बहुत ध्यान वाले होते हैं तो कभी लुकमा देते हैं, लेकिन अमूमन बहुत सारे नमाजी होते हैं लेकिन लुकमा देने वाले एक दो, और कभी वो भी नहीं होते हैं। वजह उसकी ये है कि नमाज के पीछे जो मेहनत है वो मेहनत हमारी नहीं है। एक थोड़ा मिसाल से समझाऊं। एक अम्मी अपने बेटे को बुलाए, माँ ने आवाज लगाई, बेटा बाहर खेल रहा था और आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद फौरन वो बच्चा अपनी माँ की आवाज की तरफ लपका। माँ के दिल में कितनी जगह होगी, भाई मैं जाता हूं, मुझे गेम पूरी नहीं करनी है, मुझे लाभ नहीं लेना है, मेरे अम्मी ने आवाज दी है, फौरन चला गया। एक ये है, माँ ने आवाज लगाई, अम्मी दाव पूरा करके आता हूं, और दाव पूरा करके गया। गया मां के दिल में कि बेटे ने मान तो लिया, मां ने आवाज लगाई लेकिन मां की आवाज पर कोई कान नहीं धरता है। वो बेचारी परेशान है, आवाज पर आवाज लगा रही है, डरा रही है कि तेरे अब्बू को कह दूंगी, मौल साहब को कह दूंगी। अब तो डराने के मौल साहब मिल गए हैं, डराने के लिए मौल साहब मिले हैं। ये इल्मे दीन से महरूमी का जरिया है। बच्चे के जान में पहले से ही मौल साहब मार से हो, मौल साहब ने कही दी तो बच्चा मौल साहब के पास कैसे आएगा, कैसे आएगा? पहले से ही तुम मौल साहब से डराते हो तो बच्चा मौल साहब के पास आएगा कैसे? ने वहां स्कूल जैसे ना तो डेयरी मिल्क ऑफिस, तो स्कूल जैसे ना तो आम करी, तो स्कूल जैसे तो वहां का शौक पैदा कर रहे हैं, यहां से मुतनफिर कर रहे हैं। समझने की चीज है ये, घर से बहुत आम हो चुका है लेकिन ये समझने की चीज है। वो बच्चा नहीं आ रहा है, और एक वो बच्चा है कि जिसको पता है कि मेरी अम्मी अभी मुझे बुलाएगी, उसकी नजर घड़ी पर है और वो अम्मी की आवाज से पहले ही पहुंच जाता है, वो अम्मी की आवाज से पहले ही पहुंच जाता है। अल्लाह का मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहता है, हय्या अलल फलाह कहता है, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, जिसमें यकीनी तौर पर कामयाबी है दुनिया और आखिरत। लेकिन हम हैं कि नहीं आते, अभी पांच मिनट बाकी है, चार का सुन्नत गैर मौकदा है ना, जाएंगे, अभी तो तीन मिनट बाकी है। ये तो अल्लाह की, अल्लाह बड़े हलीम है कि वो हमारे बार बार बुलाने के बावजूद हमारे न आने पर हम पर कोई फौरी तौर पर पकड़ नाजिल नहीं फरमाता। वरना इतना बड़ा और उसके हुक्म के ऊपर हम कान न धरे और अपने मशगलों में मशगूल रहे। एक है अजान से पहले मस्जिद में आ जाता है, एक है अजान के साथ आ जाता है,
एक है अजान सुनने के बाद घड़ी के सत्यानाश की वजह से जमात खड़ी होने में 2 मिनट बाकी हो तब आता है, और एक है बिल्कुल नहीं आता। कौन सबसे अच्छा? जो अजान से पहले, हमें मालूम है कि अब अजान होने वाली है, हैया अल सलाह से पहले हम पहुंच जाए, हैया अल सलाह से पहले हम पहुंच जाए, हैया अल सलाह हैया अल फलाह का भी इंतजार ना हो। भाई अजान तो कभी दे से हो, आज इत्तेफाकन हुआ, लेकिन ये तो जोड़ ऐसे ही बैठ गया है। अजान सुनने के हमारे सामने है कि भाई 8 बजे नमाज है, मस्जिदें पूर हो। हजरत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अरब ने भी माना, अजम ने भी माना, पूरी दुनिया ने माना, और यहां के लोग भी मानते थे, यहां के मिनिस्टर भी, इंदिरा गांधी एक मरतबा बगैर वक्त लिए हुए पहुंच गई, वापस कर दिया गया। उस वक्त इंदिरा पीएम थी और बगैर वक्त के लिए पहुंच गई, वापस कर दिया गया, वो ताकत थी। खुद फरमाते हैं, लिखा है उन्होंने, 40 साल से सफर हो या हजर हो, कभी ऐसा ना हुआ कि अजान हुई हो और उससे पहले मैं मस्जिद में ना हूं। 40 साल, 40 दिन नहीं कि 40 दिन जमात में गए और अजान से पहले मस्जिद में रहे। सफर और हजर, मुल्कों के भी सफर होते थे, यहां के भी सफर होते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई और अजान से पहले मैं मस्जिद में ना हूं। आइए इत्मीनान से इस्तिंजा हो, इत्मीनान से तहारत हो, इत्मीनान से सुन्नत कबलिया हो, इत्मीनान से कुरान और अल्लाह का जिक्र हो, फिर उसके बाद अल्लाह के दरबार में खड़े हो फर्ज नमाज के लिए, फिर कैसे जी नहीं लगता है? फिर नमाज में ताकत है शैतान की कि वो साबित पैदा करे? लेकिन हम लोगों ने नमाज का जो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, ये तो 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले आएंगे और फिट पैंट पहनी और यहां मस्जिद के पेशाब खाने में पेशाब करने बैठेंगे, तो कहां से पेशाब बराबर होगा? इशारे भी करता चला जाता हूं, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। फिट पैंट में मस्जिद के पेशाब खानों में इत्मीनान से पेशाब हो, इसकी कोई गारंटी है आप लोगों के पास? फिर जब इस्तिंजाई सही नहीं तो उसके ऊपर सारा मदार है, न वुजू के ठिकाने, और फिर आ करके सीधे वही झमेलों में से आए, न यहां खड़े हो गए अल्लाह अकबर कहकर, दौड़ते दौड़ते न हाँफते बापते, तो कहां से नमाज में ध्यान लगेगा? फिर वही तसव्वुरा, मेहनत करनी पड़ेगी कि नमाज में अल्लाह ही का ध्यान हो। दूसरे इसके लिए मेहनत करने से आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। दुनिया में कोई करोड़पति पहले दिन से करोड़पति बन गया है? इल्ला माशाल्लाह कोई मीरात में के कहीं कोई खजाना मिल गया, वो अलग बात है। आम दस्तूर ये है कि पापा पगली से वो आगे बढ़ता है। आज हमने अल्लाहु अकबर कहा, इतने में इस्तेहजा, फिर मेहनत की, फिर सना पड़ी, वहां तक इस्तेहजा, फिर मेहनत करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, सूरह फातिहा पढ़ी, वहां तक इस्तेहजा कि इमाम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा ध्यान भी उसी की तरफ है। इमाम पढ़ते अर्रहमानुर्रहीम, हमारा ध्यान भी उसी की तरफ है। रुकू में जाए, अल्लाहु अकबर कहकर के जाए, अल्लाह की बड़ाई का ध्यान हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, अल्लाह की पाकी का इस्तेहज़ार हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, तो फौरन ध्यान कि रब्बना वलकल हम्द, अब हम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला सुन लेंगे, इस्तेहज़ार हो। और एक दिन आएगा कि अल्लाहु अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक इस्तेहज़ार नसीब होगा।
जो मेहनत करता है यकीनन पा लेता है। दरवाजा बार बार कोई खिचखिचाए तो आखिर दरवाजा खुल जाता है। मेहनत करता है, कोशिश बेकार नहीं जाती है। ये वसवसे, इससे भी बचने की दुआ करना है और इस तरह की मेहनत करना है और साथ में दुआओं का एहतमाम, रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह ताला तुझे नमाजी बना दे। हम ये दुआ देते हैं, नमाजी बनने की दुआ नहीं, नमाज कायम करने वाला बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ मांगी कि मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाली बना। इसमें सब कुछ आ गया। तो खाली नमाज ही नहीं, उठक बैठक का नाम नमाज नहीं है। तो इस तरह मेहनत करेंगे और इन वसाविस से बचने की दुआ ये भी इसमें दाखिल है कि शैतान के वसवसे दे, कि बेमौका शैतान वसवसे डालता है। गुज़श्ता आया था कि अज़ान की आवाज सुनता है भागता है, फिर आकर के उज़्कुर कज़ा उज़्कुर कज़ा। वैसे शैतान मुसल्ली के दरमियान में जगह होने की वजह से भी बकरी के बच्चे की तरह सफों में दाखिल होकर के नमाज को बिगाड़ता है। हम सफों के दुरुस्त करने का एहतमाम नहीं करते हैं। कंधे से कंधा मिलाना है, पास में किसी को बुलाते तो वो और खींचेगा, और बुलाएंगे तो वो और खींचेगा। कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहना है और इस तरह के दोनों कंधे मिले हुए हो जैसे ईंट से ईंट मिली हुए थे, शीशा तिलाई हुई दीवार, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के शीशा तिलाई हुई इमारत के बीच में जर्रा बराबर फटन, बीच में जर्रा बराबर शिक, बीच में जर्रा बराबर खाली जगह नहीं होती। वैसे सफों में भी एक मुसल्ली और दूसरे मुसल्ली के बीच में जर्रा बराबर फासला और खला नहीं होना चाहिए, वरना शैतान बकरी के बच्चे की रजा बीच में आकर के नमाज खराब करता है। ये हमारी नमाज खराब इसीलिए है। अबू लूलू मजूसी ने हजरत उमर रबी अल्लाह तआला पर वार किया था नमाज के दौरान, जब शुरू उसको सफ में से भागने की जगह नहीं मिली थी, इतनी मजबूत सफ थी सहाबा इकराम की, और उसको सफ में से भागने के लिए और 13 सहाबा को जख्मी किया तब वो भाग सका। और हमारे तो खाली यूं करें तो भागना आसान हो जाएगा, बल्कि भागने की जगह होती है, यूं करने की भी जरूरत नहीं। ये सफों का एहतमाम होना चाहिए तो नमाजें सही होगी, शैतानी असरात से शैतानी वसाविस से महफूज होगी। मिन शर्रिल वसवा, वसवसा डालने वाले के शर से। जो वसवसा डालता है ऐसी मक्कारी से और होशियारी से कि किसी को पता न चले, अलखन्नास, जिसको बहुत आसान जुबान में समझाने के लिए कहूं, दिया सलाई लगा करके पीछे हट जाने का। हमारे यहां कहते हैं ना कि दिया सलाई चौपी न हटी गयो, ये शैतानी वस्व है। शैतान वसवसों में इतना होशियार है कि वसवसा डाल करके पीछे हट गया। एक तर्जमा ये है अलखन्नास का, और दूसरा तर्जमा अलखन्नास का पीछे हटने वाला है, लेकिन मुराद के जिक्र से वो पीछे हट जाता है और जिक्र से गाफिल होने की वजह से वो आगे बढ़ता है और इंसान के दिल को अपना लुकमा बना करके वो उसमें
सूंड के जरिए से वसवसे डालता है। तो गोया कि अल्लाह के जिक्र की वजह से वो पीछे हट जाता है, वसवसा डालता है। लेकिन चूंकि जब बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, जुबानी जिक्र, दिली जिक्र और अल्लाह की इताअत में लगना, ये जिक्र ही है। अल्लाह के अहकाम को पूरा करना ये भी जिक्र है, तो पीछे हट जाता है। और जब अहकाम इलाहिया जिंदगी में नहीं होते और जुबान पर भी जिक्र नहीं होता, दिल में भी जिक्र नहीं होता, तो आगे बढ़ता है और दिल को लुकमा बना करके उसमें वसवसा डालता है, अलखन्ना। आगे हैं मजीद बातें, वसवसा डालने वाले जिन्नात, वसवसा डालने वाले इंसान, इंसान के वसवसों की जी अभी तक जो बातें आई वो जिन्नात और शैतान के वसवसों की बात आई, इंसान के वसवसों की बात इंशाअल्लाह आएगा। फिर वसवसों से क्या नुकसानात होते हैं और वसवसों से बचने के क्या तरीके हैं, और अगर उस वक्त वक्त रहेगा तो चूंकि ये सूरतों के फजाइल पहले आ चुके हैं लेकिन डेढ़ दो साल पहले की बात है, इसलिए दिल में यह आया कि दोबारा उस फजाइल को जिक्र कर लिया जाए ताकि फिर से इस्तेहज़ार हो। इंशाअल्लाह आइंदा चलेंगे। अल्लाह ताला इनसी वसवसों से भी, जिन्नाती और शैतानी वसवसों से हमारी और हमारी क़यामत तक की नस्लों की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أي الله أي الله اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اور احسان سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، امت کے صغائر سے کبائر سے خطاؤں سے لغزشوں سے سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت میں ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ آپ کی بھیجی ہوئی شریعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ پوری دنیا میں، ہر چھوٹے گھر میں، بڑے گھر میں، کچے اور پکے گھر میں، ہر جگہ پر داخل ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ سبب کے طور پر ہمیں اور ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کے احوال درست فرما۔ اے اللہ امت کے احوال درست فرما۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
उम्मत के बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका शैतानी जिन्नी परेशानियों की वजह से परेशान है, ऐ अल्लाह उम्मत को शैतानी जिन्नी इनसी परेशानियों से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, उम्मत का एक तबका जेलों में बंद है, ऐ अल्लाह बड़ा तबका जेलों में बंद है, कोई अपने बूढ़े बाप का सहारा है, कोई अपने छोटे बच्चों का सहारा है, ऐ अल्लाह कोई तेरी बंदी की इस्मत का और इफ़त का जरिया है, उसके सर का ताज है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उस बूढ़े बाप की सफेदी का वास्ता, ऐ अल्लाह उन नन्हे मुन्ने छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों का वास्ता, ऐ अल्लाह उस तेरी बंदी का वास्ता जिसने अपनी इफ़त की हिफाजत की तेरे खातिर, ऐ अल्लाह उम्मत के लोगों को आफियत के साथ सहूलत के साथ इज्जत के साथ बरी फरमा। ऐ अल्लाह आफियत सहूलत और इज्जत के साथ उम्मत के इन कैदियों को बरी फरमा। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपका इरादा ही काफी है, सारी दुनिया धरी के धरी रह जाएगी। ऐ अल्लाह इन मुसलमानों को ऐ अल्लाह कैद से रहाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत को हलाल पाकीज़ा बरकत वाला ऐ अल्लाह रिज़्क नसीब फरमा। हराम से और मुश्तबे से उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। सूदी मामलात से उम्मत को नजात अता फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उम्मत जिस एतबार से परेशान हो सब की परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत की मदद फरमा, उम्मत की हिफाजत और उम्मत की मदद के लिए अपनी सारी मखलूकात को ऐ अल्लाह हरकत में ले आ। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उम्मत की हिफाजत और नुसरत के लिए सारे मखलूकात को हरकत में ले आ। उम्मत के हक में ऐ अल्लाह तदबीर फरमा, दुश्मन की तदबीरों को ऐ अल्लाह ख़त्म फरमा, दुश्मन को मकहूर फरमा, दुश्मन को मगलूफ फरमा, दुश्मन को ऐ अल्लाह शिकस्त फाश नसीब फरमा, हमारी आँखें ठंडी फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान और माल की पुख्तगी का जरिया बना। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को, मस्जिद के आबाद करने वालों को, उनकी क़यामत तक की नस्लों को, इस मोहल्ले को, मोहल्ले की क़यामत तक की नस्लों को, इस बस्ती को, बस्ती की क़यामत तक की नस्लों को, ऐ अल्लाह हम सब को और हमारी क़यामत तक की नस्लों को आलमी सतह पर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद की, मस्जिद के आबाद करने वालों की, उनकी क़यामत तक की नस्लों की, मोहल्ले की, मोहल्ले की क़यामत तक की नस्लों की, बस्ती की, बस्ती की क़यामत तक की नस्लों की, हमारी और हमारी क़यामत तक की नस्लों की ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खैर को आपसे मांगा है वो सब हम सब को, हम सब के सब मुतअल्लिक़ीन को, हमारी क़यामत तक की नस्लों को और आलम के मुसलमानों को नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरू फितन से, आफात और बलियात से, वबाओं से ऐ अल्लाह हिफाजत चाहिए, उन तमाम से हमारी, हमारे सारे मुतअल्लिक़ीन की, हमारी क़यामत तक की नस्लों की और आलम के मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह महज अपने फ़ज़्ल व करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, हमारे मशाइख की बरकत से हम सब की सब दुआओं को कबूल फरमा। आमीन।
تقبل تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.